नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लाइनिंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे पेंट रिमूवर और इस व्हील हब को हम लोग रीपेंट करेंगे, कंप्लीट कलर चेंज इसका करेंगे और इसको करेंगे हम लोग ब्लू कलर। अगर आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसा दिखता है वो दिखना चाहिए तो ये पूरा वीडियो देखने को मत भूलिएगा। तो इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंट स्ट्रिपर केमिकल। तो एक पेंट ब्रश लेके आपको ये केमिकल पूरे व्हील हब को अच्छी तरह से लगाना है और इसको छोड़ देना है 15 मिनट ताकि ये सब पेंट बाहर निकल जाए। तो पेंट रिमूवर लगा के मेरे 5 मिनट हो गए हैं और इधर आप देख सकते हैं पेंट ऑलरेडी बाहर निकलने को चालू हो गया है, क्रैक्स जैसे बन गए हैं इधर आप देख सकते हैं। तो पेंट रिमूवर लगा के मेरा 15 मिनट हो गए हैं और इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये पेंट अभी बाहर निकल रहा है वो। नहीं तो इस पेंट को सैंडिंग करके निकालना बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ही छोटी एरिया है, हाथ डालने को थोड़ी मुश्किल है और बहुत घिसना इसको पड़ता। तो इधर बहुत ही आराम से ये पूरा पेंट अभी देखिए कैसे बाहर निकल रहा है वो। तो एक टूथब्रश और स्क्रू ड्राइवर लेके मैं इसको अच्छी तरह से पहले पूरा पेंट बाहर निकालूंगा। तो इधर मैं और थोड़ा पेंट रिमूवर मेरा इधर रह गया है वो ऐसे इसको लगाऊंगा कि बाकी का थोड़ा जो कुछ भी पेंट इसके ऊपर बचा हुआ है वो भी निकल जाए। अभी पूरा पेंट निकाल के मेरा इधर हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से बर्तन धोने वाले साबुन से धोऊंगा। ये प्रोसेस आपको मिस नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अगर आपके सरफेस के ऊपर थोड़ा भी ये केमिकल पेंट रिमूवर रह जाता है तो जब आप नया पेंट लगाओगे तो फटक से करके बाहर निकलेगा क्योंकि वो केमिकल है पेंट निकालने का। तो वो केमिकल आपको रहने नहीं देना चाहिए। अच्छी तरह से बर्तन धोने वाले साबुन से इस पार्ट को जिसको भी आपने पेंट रिमूवर लगाया है वो अच्छी तरह से धोइए ताकि वो सब पेंट रिमूवर निकल जाए। तो साबुन से घिस के मेरा इधर हो गया है, अब मैं अच्छी तरह इसको पानी से रिंस करूँगा। तो इसको धो के मेरा इधर हो गया है, अब मैं एक 150 ग्रिट सैंड पेपर लेके इसको अच्छी तरह से वाटर सैंडिंग करूँगा। आप चाहे तो 80 ग्रिट सैंड पेपर लेके पहला इसको सैंडिंग कर सकते हो, थोड़ा पेंट इसके ऊपर बचा है वो निकाल सकते हो, लेकिन मेरा इधर ज़्यादा पेंट नहीं बचा है, थोड़ा ही है। तो मैं डायरेक्टली 150 ग्रिट सैंड पेपर लेके इसको सैंडिंग कर सकता हूँ। तो अच्छी तरह से सैंडिंग करना है आपको, कोई भी पार्ट इधर मिस नहीं करना है क्योंकि अच्छा सैंडिंग किया तो आपका अच्छा फिनिश आएगा। अभी इसके ऐसे कोने में है उधर आपको सैंड पेपर आपका ऐसे फोल्ड करके अंदर डालना है ताकि उधर भी आपका सैंडिंग हो जाए। फिर आप देख सकते हैं मैं कैसे डाल रहा हूँ वो। और इधर ये कुछ लिखा हुआ जैसा है, उधर भी आपको ऐसे सैंड पेपर फोल्ड करके अंदर डालना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। और इधर ये कोने जैसे इसको भी आपको ऐसे पेपर फोल्ड करके अंदर डालना है। और साइड एजेस जो है वो मत भूलिएगा, साइड एजेस को आपको अच्छी तरह से सैंडिंग करना है जिधर भी आप अपना पेंट लगना चाहते हो उधर। तो 150 ग्रिट सैंड पेपर लेके मेरा सैंडिंग करके हो गया है, अब मैं 180 ग्रिट सैंड पेपर लेके इसको फिर से पूरा सैंडिंग करूँगा ताकि जो डीप स्क्रैचेस 150 ग्रिट सैंड पेपर ने बनाए हैं वो ये 180 ग्रिट सैंड पेपर से कम हो जाए। तो 150 ग्रिट सैंड पेपर लेके सैंडिंग करके मेरा इधर हो गया है, अब मैं यूज़ करूँगा 220 ग्रिट सैंड पेपर और इससे मैं पूरे हब को फिर से सैंडिंग करूँगा और इससे मेरा सरफेस रेडी हो जाएगा प्राइमर लगाने को और बहुत ही स्मूथ सरफेस मैं पाऊँगा ये पेपर से सैंडिंग करने के बाद। तो 220 ग्रिट सैंड पेपर लेके सैंडिंग करके मेरा इधर ऑलमोस्ट हो गया है और ये सैंडिंग होने के बाद मैं इसको थोड़ा रिंस करूँगा पानी में, इसको अच्छी तरह से धोऊँगा और इसको सूखने को थोड़ा टाइम दूँगा ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर जो पानी है वो निकल जाए। और इधर आप देख सकते हैं इसका क्या स्टेट हो गया है वो सैंडिंग करने से, बहुत ही स्मूथ ये हो गया है। तो सैंडिंग करके मेरा इधर हो गया है, अब मैं इसको सूखने को टाइम दूँगा।
अब ये सब पानी सूखने के बाद आपको जो भी पार्ट पे आपको पेंट नहीं लगना चाहिए तो जगह पे आपको मास्किंग करना है। तो इस रॉड के ऊपर मुझे पेंट को नहीं लगना देनी चाहिए, तो इसको मैं मास्किंग टेप लेके अच्छी तरह से कवर करूँगा। तो मास्किंग करके मेरा इधर हो गया है और इधर आप देख सकते हैं रॉड को मैंने कैसे कवर किया है, वो ऊपर और नीचे भी। तो ऐसे आपको ये पूरे रॉड को कवर करना है। तो मास्किंग करने के बाद आपको एक वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके इस पूरे हब को अच्छी तरह से वाइप करना है, ताकि इसके ऊपर कोई भी केमिकल या वैक्स और ग्रीस है तो वो निकल जाना चाहिए। तो वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके इसको अच्छी तरह से वाइप कीजिए। तो वाइप करने के बाद इधर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी बाहर निकली है। तो ये अभी मेरा सरफेस रेडी है प्राइमर मारने को। तो अब मैं चालू कर रहा हूँ प्राइमर मारने को। तो पहला मैं एक लाइट कोट मारूंगा, क्योंकि अगर कुछ रिएक्शन होता है केमिकल से या पेंट रिमूवर से तो मुझे मालूम पड़ेगा, इसलिए पहले मैं एक लाइट कोट इधर मार रहा हूँ। तो एक कोट मेरा इधर मार के हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट दुकान सूखने को और बाद में दूसरा कोट मारूंगा प्राइमर का। तो 10 मिनट हो गए हैं मेरा प्राइमर मारने के बाद और मुझे इधर कोई रिएक्शन का नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो अब मैं डार्ट कोट मारूंगा सेकेंड कोट, और ये मेरा दूसरा और आखिरी कोट होगा। तो दूसरा कोट भी मेरा इधर मार के हो गया है। अब मैं इसको सूखने को टाइम दूंगा, एक दिन मैं इसको दूंगा सूखने को, और बाद में इसके ऊपर सैंडिंग करूंगा 400 ग्रिट सैंड पेपर लेके। तो इसको सूखने के बाद एक दिन मेरा हो गया है। अब मैं इसको वाटर सैंडिंग करूंगा 400 ग्रिट सैंड पेपर लेके। इधर मैं आपको थोड़ा आवाज़ दूंगा इसका, ये देखिए इतना रफ आवाज़ जैसे आ रहा है वो। तो सैंडिंग करने के बाद ये स्मूथ होगा, क्योंकि 400 ग्रिट सैंड पेपर बहुत ही स्मूथ है। चलिए इसको सैंडिंग करते हैं। तो वाटर सैंडिंग करके मेरा इधर हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पानी से रिंस करूंगा। तो पानी से रिंस करके मेरा इधर हो गया है और इधर आप देख सकते हैं, आवाज़ आप सुन सकते हैं कितना स्मूथ अभी ये हो गए है वो। पानी भी है इसके ऊपर, इसलिए ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, लेकिन बहुत ही स्मूथ ये हो गया है। तो ये सूखने के बाद मैं एक वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके इसको अच्छी तरह से वाइप करूँगा, ताकि कोई भी धोने से ऊपर से धूल नहीं गया है तो वो जाएगा, और ग्रीस और वैक्स भी है तो वो भी निकल जाएगा। तो अच्छी तरह से वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके इसको एक लास्ट बार आपको अच्छी तरह से वाइप करना है। अभी वैक्स और ग्रीस रिमूवर मेरा सूख गया है और पेंट मिक्सिंग करके भी मेरा हो गया है। तो इधर मैं चालू कर रहा हूँ मेरा फर्स्ट कोट बेस कोट का, जो है ब्लू कलर। तो पहले मैं जो एजेस है एजेस के ऊपर पेंट लगाऊंगा, क्योंकि एजेस अक्सर मिस हो जाते हैं और बाद में पेंट जब आपका ख़राब दिखता है। तो पहले आपको सब एजेस पे पेंट लगाना है और बाद में जो आपका मेन सरफेस है उधर लास्ट में पेंट लगाना है। तो एक कोट मार के मेरा इधर हो गया है। अब मैं इसको सूखने को 10 मिनट दूंगा और 10 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर दूसरा कोट लगाऊंगा। तो 10 मिनट मेरे इधर हो गए है फर्स्ट कोट मारने से। अब मैं इसको ऊपर दूसरा कोट मारूंगा, ये मेरा दूसरा और आखिरी कोट रहेगा। तो दूसरा कोट भी मार के मेरा इधर हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट दूंगा सूखने को और उसके ऊपर क्लियर कोट मारूंगा। तो इधर 10 मिनट हो गए हैं इसको सूखने के बाद, और अब मैं चालू करने जा रहा हूं मेरा क्लियर कोट, और इधर मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो क्लियर कोट का एक कोट मार के मेरा इधर हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट दूंगा सूखने को और मारूंगा मेरा दूसरा कोट। तो इसको सूख के 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको मेरा दूसरा और आखिरी कोट मारूंगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा और आखिरी कोट खत्म। तो अब मैं इसको सूखने को एक दिन दूंगा और बाद में आपको दिखाऊंगा ये कैसा दिख रहा है वो। अब इसका मास्किंग निकालने को मत भूलिएगा, तो
पेंट थोड़ा सूखने के बाद आपको इसका मास्किंग निकालना है। तो मास्किंग निकाल के मेरा इधर हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है वो। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर मेरा पेंट जब हो गया है फिनिश, और अभी कितना अच्छा ये दिख रहा है वो इधर आप देख सकते हैं। कुछ बारीक डस्ट इसमें पड़ा हुआ है, मैंने टेक क्लॉथ यूज़ नहीं किया क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इधर मैं नहीं गया हूँ। फिर भी कितना अच्छा फिनिश आया है इधर आप देख ही सकते हो। अगर मैं इसको कलर सैंडिंग और बफिंग करूँगा तो इसका फिनिश और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसे छोटे पार्ट्स पे मैं कलर सैंडिंग और बफिंग नहीं करता हूँ। इसका जो फिनिश आया है वो काफ़ी है मेरे लिए। तो इसको मैं अभी गाड़ी के ऊपर लगा के आपको दिखाऊँगा कैसा दिखता है वो। तो इधर आप देख सकते हैं, मैंने इसको गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लगा दिया है और कितना अच्छा अभी दिख रहा है वो इधर आप देख ही सकते हो। तो अगर आपको अपने व्हील हब को पेंट करना है तो आप इसे कर सकते हो। और अगर आपने मेरा 55 पेजेस बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके अपना नाम और ईमेल डालिए और उस ईमेल पे मैं वो बुक भेज दूंगा, और ईमेल चेक करने को मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप एनरोल हो सकते हो। उसमें मैंने सब पेंट मिक्सिंग, प्राइमर मिक्सिंग उसमें सब दिखाया हुआ है, डिटेल में जाता हूँ उस कोर्स में। तो अगर आप स्प्रे पेंटिंग ठीक से सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्स में एनरोल होने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रहे, फिर मिलेंगे।